आर्ट ऑफ फूड बाय मीनू चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको शकरकंद का हलवा बनाना बताऊंगी। ये बहुत ही टेस्टी और काफी हेल्दी बनने वाला है। इसे लोग उपवास में भी यूज करते हैं, उपवास में भी खाते हैं। ये बहुत ही हेल्दी हलवा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। फ्रेंड्स, उससे पहले जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, प्लीज फ्रेंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अपने फीडबैक कमेंट हमें जरूर दीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है फ्रेंड्स, तो कोशिश कीजिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। ये हमने शकरकंद लिए है दो बड़े, ये वजन में हाफ के जी 250 ग्राम शकरकंद है। उसे हमने बॉईल करके छील करके टुकड़ों में कर लिया है। ये कुछ हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। हमने काजू को भी बारीक एकदम ही स्लाइस में कट कर लिया है। बादाम, इसे भी हमने इस तरह से स्लाइस में कट कर ली हूँ, आप चाहे तो छोटे टुकड़े कर सकते हैं। हमने पिस्ता लिया है। ये हमने केसर के कुछ धागों को पानी में भिगो करके रखा है, जो कि हलवा को अच्छा सा कलर देगा। आप अगर आपको लगता है डालना है तो डालिए, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है डालना। ये हमने इलायची पाउडर लिया है। 4 से 5 इलायची को लेकर के हमने इस तरह से कूट करके पाउडर बना लिया है। ये हमने गार्निशिंग के लिए पिस्ता और काजू रखा है। ये घी, अपने जरूरत के हिसाब से हम घी यूज करेंगे। ये चीनी, चीनी हमने जितना शकरकंद लिया है उसका आधा हमने चीनी लिया है, क्योंकि ऑलरेडी शकरकंद मीठा होता है, इसके लिए हमने आधा ही यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इधर हमने कढ़ाई गर्म होने रख दिया है। कढ़ाई अच्छा सा गर्म हो गया है। इसमें हम 2 बड़े चम्मच घी ऐड करेंगे। घी को मेल्ट कर लेना है। उसके बाद ये जो शकरकंद लिए हैं, इसको इसमें हम ऐड करेंगे और इसे एक मैशर की सहायता से अच्छे से हमें मैश कर लेना है। आप इस तरह का एक मैशर लीजिए। आप चाहे तो पहले से भी मैश करके इसको डाल सकते हैं या कद्दूकस करके डाल सकते हैं। इस तरह से मैश करने से अच्छा सा हलवा एकदम ही पेस्ट के तरह बहुत ही अच्छा सा टेस्टी हलवा बनकर रेडी होगा। तो इसे मैश करने के बाद इसे हम अच्छे से भूनेंगे। इसे हमने अच्छे से मैश कर लिया है मैशर से, और इसे हम कंटिन्यू चलाते हुए 5 मिनट इसी तरह से भून लेंगे। भूनने से इसकी बहुत ही अच्छी अरोमा आती है और आपको खुद ही लगेगा कि ये अच्छा सा भून गया है। फिर भी आप इसे 5 मिनट एकदम ही मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम में नहीं, मीडियम फ्लेम में इस तरह से कंटिन्यू चलाते हुए अच्छा सा इसे भून लेना है। इसे भूनते हुए 2 मिनट हो गए। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताना भूल गई। यहाँ पे मैंने 1/2 कप दूध लिया है, इसमें हम ऐड करेंगे और इसे अच्छे से पूरा सोख होने तक भून लेना है। दूध के साथ इसे मिक्स करके इसे जरूर आप डालिए। आप यहाँ पे चाहे तो मावा भी डाल सकते हैं, लेकिन मावा का उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता जितना कि ये दूध में पकने के बाद अच्छा लगता है। देखिए, पूरा दूध एब्जॉर्ब कर लिया है और घी का भी इसमें शाइनिंग आ गया है, बहुत ही अच्छा सा शाइनिंग दिख रहा है हलवे में। अब हम यहाँ पे इलायची डालेंगे और ये जो हमने केसर भिगो कर रखा था उसे थोड़ा ऐड करेंगे और इसे हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसमें हम तुरंत शक्कर ऐड करेंगे।
ये बहुत ही अच्छे से भून गया है, जिससे कि ये कढ़ाई को अच्छा सा छोड़ रहा है। अगर ये इसे बनाने के लिए फ्रेंड नॉन स्टिक कढ़ाई का ही यूज करें, नहीं तो अगर नॉर्मल कढ़ाई में बनाएंगे तो ये पूरी तरह से कढ़ाई में चिपक जाएगा और फिर अच्छा नहीं दिखेगा, अच्छा नहीं बनेगा, वो जला सा टेस्ट आ जाएगा। नॉन स्टिक कढ़ाई में ये चिपक नहीं रहा है, इसके लिए इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और बन के रेडी भी होगा। इसमें हम चीनी ऐड कर देते हैं और इन सब को चीनी को अच्छा सा मिक्स होने तक इसे धीरे धीरे इसे मीडियम फ्लेम में ही भून लेंगे। ये देखिए अच्छे से चीनी पूरा अच्छा सा घोल करके रेडी हो गया है। ये हलवा हमारा शकरकंद का हलवा बन करके रेडी हो गया है। फ्रेंड्स इसे बनाने में बहुत ही मेहनत तो लगती है लेकिन काफी टेस्टी बनता है। इसे कंटिन्यू चलाना पड़ता है। अगर आप इस तरह से नीचे छोड़ देंगे तो नीचे का पोर्शन जल जाएगा और टेस्ट आपका खराब कर देगा। इसके लिए आप इसे कंटिन्यू चलाते रहिए और बनाइए। तो चलिए इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स है उसे हम मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा हमने गार्निशिंग के लिए रखा है और इस स्टेज पे हम गैस को बंद कर देते हैं। हलवा बन करके रेडी हो गया। देख सकते हैं कितना अच्छा सा दिख रहा है, बहुत ही सुंदर, काफी टेस्टी हलवा। देखिए कितना टेस्टी और देखने में कितना अच्छा शकरकंद का हलवा बन करके रेडी हो गया है। इसे आप किसी को सर्व करेंगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि ये शकरकंद की है या किस चीज की है, इतनी टेस्टी ये हलवा है। फ्रेंड्स इसे जरूर ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक कमेंट हमें दीजिए कि आपको ये हलवा बना करके कैसा लगा है। और बेल आइकॉन जरूर दबाइए, नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाएगी जल्द से जल्द। लाइक कीजिए मेरे वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।